हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद पूनम। स्टे होम स्टे सेफ विद मी। तो आज मैं आपको बताऊंगी काले छोले बनाने की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी। उसके लिए हमें 200 ग्राम छोले रात को मैंने ये भिगो के रख दिए हैं। देखिए, आपको थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है क्योंकि छोले ज़्यादा पानी सोखते हैं। अब अगले दिन मैंने इनको, देखिए थोड़े से फूल गए हैं ये रात भर भीगने की वजह से, तो अब मैं इनको प्रेशर कुकर में डाल दूंगी अच्छे से पानी से क्लीन करके, और मैं इनको अभी प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। फिर हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे सिर्फ। ये देखिए, अभी मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सॉल्ट लिया है, 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है। और अब हम इसमें 8 से 10 सीटी लगवा देंगे क्योंकि थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनमें ज़्यादा सीटी लगेगी तभी अच्छे से पकेंगे। इतने छोले पक रहे हैं। मैंने ली हैं 2 प्याज और 3 टमाटर मीडियम साइज़ के। मैंने डाल दिया है तेल में जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। जीरा इतने गर्म हो रहा है, इतने हम प्याज कट कर लेंगे। और मैंने अब इसमें प्याज डाल दी हैं। प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे, अदरवाइज़ जो प्याज का टेस्ट है वो बहुत कच्चा कच्चा आएगा। जब अच्छे से इनके एजेस ब्राउन होने लग जाएंगे तब मैं इसमें टमाटर मिक्स करूंगी। इतने मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए कितना ज़्यादा इसका प्यूरी निकल आया है। अब हम डालेंगे सिर्फ प्याज, टमाटर और एक्स्ट्रा लिए हैं इसलिए थोड़ा नमक, हल्दी और मिर्च डालेंगे और चना मसाला। ये हमने इसमें सिर्फ मसाले ऐड करने हैं। तो इतने हमारी प्याज भी भुन गई हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। और टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि ये फ्राई ना हो जाए, ये पूरा मसाला तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे जिससे हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएं। इसमें भी हम नमक डाल देंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा ही नमक डाला है क्योंकि पहले से ही हमने जब बॉईल किया था अपने छोलों को तो पहले से ही उनमें नमक है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। और मैंने इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी मसाले यूज़ नहीं किए हैं। जिन लोगों को ज़्यादा मसाले नहीं खाने, ये उनके लिए हैं। और हम घर में भी सिंपल बना सकते हैं जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे। और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जो काले छोले होते हैं, वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो ये अच्छे से पक गया है। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं, उन्होंने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये इसकी पहचान है कि हमारे अच्छे से फ्राई हो गया है हमारा मसाला। और अब मैं वो बॉइल्ड छोले हैं उनको इसमें ऐड कर दूंगी। बॉइल्ड छोलों को हमने ऐड कर दिया है इसमें। और उसके बाद मैं एक इंग्रेडिएंट और डालूंगी इसमें मसाला। अभी तक मैंने इसमें चना मसाला मिक्स नहीं किया है। अगर आपके पास चना मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च 1 टेबल स्पून 200 ग्राम छोलों में, और 2 टेबल स्पून चना मसाला डालूंगी। और इसको हम अच्छे से अभी मिक्स करेंगे जिससे इसका फ्लेवर सब छोलों में अच्छे से इक्वल चला जाए। और थोड़ी देर इसको ढक के रख दूंगी मैं।
ये देखिए हमारे गर्मा गर्म छोले बहुत ही बनके तैयार हैं। इन्हें पूरी और पराठों के साथ खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये झटपट छोले की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।